सबसे पहले अपने ग्लूकोमीटर को देखो, उसकी बैटरी चेक करो, उसकी बैटरी ओके है या नहीं है वो चीज़ देखो। दूसरे फिर लेंसेट डिवाइस को रेडी करो। लेंसेट डिवाइस को रेडी करने के बाद में आपको अपने हाथों को अच्छे से क्लीन करना है। मैंने अपने हाथों को धो लिया है, इसके अलावा भी मैंने अरेंज कर लिया है यहाँ पे स्पिट स्वैब। अगर स्पिट स्वैब आपके पास में नहीं है तो क्लीन ड्राई हैंड्स भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्पिट स्वैब को आपको रिमूव करना है और आपको देखना है यहाँ पे अपनी टेस्ट स्ट्रिप्स, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, हमारा ग्लूकोमीटर हमें लेना है और ऐसे हमें इसको रख देना है और फिंगर से इसको पुश करना है अंदर की तरफ में। ओके गाइस, जैसे ही हमने पुश किया आप देखोगे यहाँ पे ब्लड की ड्रॉप का इंडिकेटर आ गया है, देखिए ब्लिंक हो रहा है। इट मीन्स अब ये रेडी है हमें हमारी रीडिंग को देने के लिए। तो फटाफट जैसे ही हम इसको लगाते हैं, एज सुन एज पॉसिबल, हमें हमारी पार्ट को प्रिपेयर करके पहले से ही रखा है तो मैंने यहाँ पे ये लगा लिया है और लेंसेट को पहले से प्राइम करके रखा है। तो आपको यहाँ पे सिंपली साइड वाले पार्ट पे याद रखिए गाइस, यहाँ पे दो जो फिंगर्स है हमारी, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को हम यूज करते हैं, तो मिडिल फिंगर के सीधे ना लेके हमें हम साइड वाले पार्ट में आपको लेना है और इस प्रकार से रख के और इसको प्रिक कर। देखिए गाइस, ऐसे प्रिक करने के बाद में आपको ब्लड की एक ड्रॉप ले लेनी है अच्छे से और उसके बाद में यहाँ पे आपको ऐसे लगानी है। जैसे ही ड्रॉप आई 5 सेकेंड के अंदर में आपको ये मेरी रीडिंग दे देगा। देखिए गाइस 117। ओके देखिए गाइस, ये मेरी खाना खाने के बाद की रीडिंग है। तो रीडिंग के रिगार्डिंग में बात बताऊं तो अगर हमने खाना नहीं खाया है, हमारी फास्टिंग की शुगर है, तो हमारा हमेशा वो 100 से नीचे रहनी चाहिए। और अगर खाना खाने के 1 घंटे बाद तक हम रीडिंग लेते हैं तो वो वाली हमारी रीडिंग 140 से नीचे ही रहनी चाहिए। अगर 140 से ऊपर है या भूखे पेट हमने अब रीडिंग ली और वो 100 से ज़्यादा है तो वो भी हमें दिक्कत करती है, हमें तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इस रीडिंग को हमें निकालने के बाद में इस टेस्ट स्ट्रिप्स को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। अब टेस्ट स्ट्रिप और ये हमारा जो स्पिट स्वैब था उसको हमें फिर से एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे डिस्कार्ड कर देना है। इसके अलावा ये जो हमारी यूज्ड वाली लेंसेट है इसको भी हमें निकाल लेना है। यूज वाली लेंसेट को डिस्कार्ड करने के लिए सिंपल वही है, जैसे हमने इसको लोड किया था वैसे ही इसको अनलोड करना है। हमने कैप इसको हटाना है और ये निडल वाला जो पार्ट है उस पे हमें फिर से रीकैप कर देना है। अगर हम फ्री निडल के हिसाब से हम इसको फेंकेंगे तो ये किसी को भी चुभ सकती है, इसको हम ऐसे खींच के निकाल देंगे। निकालने के बाद में इसको भी प्रॉपर एज प्रोटोकॉल इसको हमें डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट रीडिंग के लिए हमें इस लेंसेट डिवाइस को फिर से रेडी कर लेना है। इसके बाद में इस डिवाइस को अच्छे से क्लीन करके आपको अपनी जगह रख देना है। अब प्रीवियस रीडिंग हमें हमारी देखनी है तो यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करके देख सकते हैं। वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही।